पहलवानों का धरना लगातार जंतर मंतर पर जारी है, और ऐसे में अब जो है कुछ खबरें सामने निकल के आ रही है जो कि चौंका देने वाली है। और कहीं ना कहीं ये खबरें इस तरीके की है कि आप लोगों को भी एक वक्त के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आखिरकार जो जंतर मंतर पर ये धरना चल रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, या फिर किसी चीज़ को छुपाने के लिए किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगाया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि पिछले दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ बातें ऐसी कही जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा संगीन है। और आप सभी को बता दूं कि पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें साक्षी मलिक जो है वो नज़र आ रही है, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह उनके साथ। और कहीं ना कहीं जब वो तस्वीर सामने आई तो बिल्कुल देखा जा सकता है उस तस्वीर में कि दोनों जो है बहुत कंफर्टेबल तरीके से एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो बातें सामने आ रही है वो आप सभी को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूँ कि इस वीडियो में हम जो भी बातें करने वाले हैं उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं लगातार जंतर मंतर के धरने शुरू होने के बाद। तो आप सभी को बता दूं कि अब जो है कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही है कि दरअसल ये जो धरना जंतर मंतर पर चल रहा है वो कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए चल रहा है जो कि शायद अब आने वाले समय में बाहर आने वाली थी। आप सभी को बता दूं कि इनडायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो बातें चल रही है वो ये चल रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिछले दिनों हुई है जो कि अब बाहर आने की खतरा थी उसको छुपाने के लिए जो है ये सारा आंदोलन चल रहा है। और ये जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों इन लोगों के बीच में रिश्ते काफ़ी बेहतरीन थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, घुल मिलकर बातें करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो पिछले दिनों बिल्कुल भी नहीं देखा गया, तो ये सारी चीज़ें एकाएक तो नहीं हुई होगी। और जिस प्रकार से जो धरने पर खिलाड़ी बैठे हैं उन लोगों का मांग है वो जो है समय के साथ बदलता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं संभव नहीं नज़र आती है। तो तमाम बातों को लेकर के जो है अब सब में बहस छिड़ गई है कि आखिरकार कहीं ये राजनीति तो नहीं हो रही है, और खुद की पहचान बचाने के लिए किसी और के ऊपर आरोप तो नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि ये जितनी भी बातें हमने आप लोगों को बताई ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं जो कि अभी लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसके लेकर कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। जैसे कि रेसलर जो आरोप लगा रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर, उन लोगों के पास भी कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जब इन्हीं मामलों पर साक्षी मलिक से बात की गई एक निजी न्यूज़ एजेंसी द्वारा, तो आप सभी को बता दूं कि साक्षी मलिक ने कहा कि हमारे लिए ये साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इंटरनेशनल गेम होने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए जो है ये साल बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों को प्रैक्टिस में लौटना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हम अभी जा नहीं सकते, और जितना जल्दी हमारा मांग जो है पूरा हो जाएगी हम लोग अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने आप लोगों के सामने रखी है। इसके बाद अब आप लोगों के मन में भी एक धारणा आई होगी, एक विचार आई होगी, उसको आप कमेंट के जरिए ज़रूर रखिएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं खिलाड़ियों के द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर वो कितना आप लोगों को सही लगता है, क्या लगता है कि वो वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जिस प्रकार की कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी ज़रूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।